जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल चेयरमैन ब्लॉक रामबन ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान पंचायत बलवोत और मित्रा के मुस्तिक लोगों में राशन तकसीम किया। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वह एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि कोरोना वायरस का चैन तोड़ सकेंगे। रामबन से पेश है हमारे नुमाइंदा की ये खास रिपोर्ट। जनाब, ये पंचायत नेत्रा गोविंदपुरा ए है। मैं सरपंच महेंद्र सिंह। यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब हैं बीडीसी के अमजद अली जी। इन्होंने यहाँ ये वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 3 में और बलौत में, पंचायत बलौत में भी की इन्होंने मदद। इनकी तरफ से टाइम टाइम पे गरीबों को मदद होती है, इसके लिए हम अपने चेयरमैन अमजद अली जी का बहुत ही बहुत तह दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरा नाम फयाज़ अहमद है। हम डिस्ट्रिक्ट रामबन, पंचायत मेत्रा ए, वार्ड नंबर 2, गोविंदपुरा में रहते हैं। तो ये चेयरमैन की तरफ से जो है गरीबों में आज जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि जो गरीब शख्स थे, जो गरीब या मजदूर शख्स थे या कोई ना कोई बेवा है या कुछ है, तो जो आज काम काज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है आज सारा कुछ काम काज बंद है। तो हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने गरीबों की हौसला अफजाई करी है, जो गरीबों की मदद की है। लोग की सरजमीन पे इस वक्त बोल रहा हूँ कि मैं जनाब अमजद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बिछड़ी हुई गरीब पंचायत में पहुँचे। और ख़ास करके आज इस महामारी के वक्त में अपने मतलब अपने आप को खतरे में डाल के इधर पहुँचे, लोगों में मास्क बांटे और गरीब लोगों में राशन तकसीम किया। जैसे कि कोई विवाह औरतें हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, इनमें आए और राशन बांटा और इतना कीमती वक्त लेके और इस हालत में यहाँ पहुँचे, क्योंकि इस वक्त दुनिया घरों में बैठी हुई है लेकिन इनको इतना दुख दर्द है अंदर से कि गरीब लोगों में पहुँचे और गरीब लोगों की मदद की। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे भी ये पहुँच गए और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आइंदा के लिए भी ये गरीबों में मदद करें। और राशन जैसे इन्होंने आज यहाँ पे दिया, हमें सुनने में भी आया कि ये रामबन ब्लॉक की हर पंचायत में पहुँचे हैं और हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करें। गुंदो बिलेसा के इलाका काको बटारा में शाही चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरपंच पंचायत काको सतीश कुमार के साथ मिलकर तकरीबन 15 कुंभों में राशन तकसीम किया। चैरिटेबल ट्रस्ट विनय कुमार ने कहा उन्हें सरपंच पंचायत काको ने एक दिन पहले एक फहरिस्त दी थी जिसमें उन्होंने मुस्तिक लोगों को रखा, गरीब लोगों को कम से कम 20-25 लोगों को यहाँ पे राशन दिया। उसी लिस्ट के मुताबिक आज बुधवार के रोज उन्होंने आम लोगों में राशन और मास्क तकसीम किए और आने वाले वक्त में भी मेहनत करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदा इशरत अली वानी की ये खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट से भी मुतालबा करेंगे, जिसको राशन नहीं है, जिसको दवाई नहीं है, जिसको जिसको कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो खास करके मैं एनजीओ वालों को, अपने जो जो हमारी एनजीओ चल रही है, इनका धन्यवाद करें। जैसे हमारे विनय जी हैं, हरुण साहब हैं, अपने विशाल साहब हैं, विक्रम परिहार हैं। आज सहायक कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पंचायत काकू में हमने राशन दिया। ये हमें यहाँ के जो सरपंच हैं सतीश सिंह परिहार जी, उन्होंने हमें कल ये लिस्ट 20 से 25 लोगों की दी कि यहाँ पे हमारे काकू में इन 20 से 25 लोगों को खाने की किल्लत है। हमने आज कल लिस्ट दी, आज हमने इनकी पंचायत में राशन पहुँचा के दिया। मैं अपने टीम मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ, अपने हारून साहब, विशाल परिहार, विक्रम परिहार, सतीश जी और इरफान सर, जो हमारे साथ 24/7 हमारे साथ चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और हम आगे भी जितने भी हमारे गांव हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमें सिर्फ उन गांव की जेन्युइन और जो नीडी लोग हैं उनकी लिस्ट हमारे व्हाट्सएप पे एसएमएस करें या भेजें विद इन आवर्स, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मैं लोगों को सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। मंडल प्रधान शेख मनीर अहमद ने बलेसा के चिल्ली बाला में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और पीएचईएचआर वर्कर्स में अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तकसीम किया।
उन्होंने इस दौरान PHE HR वर्कर्स में ग्लोव व दीगर चीज़ें भी तकसीम की। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन को इसलिए अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, जिसे आम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पेश है हमारे नुमाइंदा की खास रिपोर्ट। लेटर दे रखा था गवर्नमेंट सब सेंटर जो है अस्पताल चिलीबाला में, यहाँ मेडिकल के भी ऑफिशल्स थे, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और PHE से रिलेटेड HR वर्कर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने इस COVID-19 के दौरान जो लॉकडाउन था, इस महामारी बीमारी के दौरान लोगों को उजागर किया और यहाँ हर एक को समझाया कि यहाँ सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना है और बार बार हाथ धोने हैं और घर से बाहर नहीं निकलना है। हर एक ने अपना रोल अदा किया, तब जाके लॉकडाउन जो है कामयाब हुआ। और आज हमने मंडल की तरफ से और पंचायत की तरफ से इनको आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ अद्वियात दिए, सैनिटाइजर दिए और हमने फेस मास्क दिए और हैंड ग्लोव दिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इनकी भी बहुत सारी डिमांडें हैं, HR वर्कर्स की हैं, उनकी डिमांड से हमारी पेमेंट जो है जल्द से जल्द फी माफ की जाए और उनको रेगुलाइज किया जाए। और ये आशा वर्कर्स की है कि इनके भी पेमेंट इनकी रुकी जाती है, इनको भी हर महीने पेमेंट दी जाए और इनकी ज़रूरी जो है मास्क हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो अदवायात गवर्नमेंट की तरफ से हैं, काफ़ी गवर्नमेंट ने जो है पैसा रिलीज किया, इनको भी दिए जाएँ। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनने होम डिलीवरी की लोगों के लिए तो लोगों को अंदर रखा, लॉकडाउन को कामयाब किया। बाकी जो हमारी बहुत जिला कुपवाड़ा में महकमा अमर सफीन व तकसीम कारी के मुलाजमी ने अपनी काल को वापस लिया। उन्होंने कहा कि आज तक उन्हें मुख्तलिफ मकाम पर काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था, मगर अब महकमा के AD फुड ने यकीन दिलाया कि अब उनके पास जो कर्फ्यू पास होगा उसी को शनाख्ती कार्ड माना जाएगा। पेशे कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदा सईद आबिद की एक खास रिपोर्ट। जब हम ये हमारा ड्राइवर लेकर जाएगा स्टोर में डालेगा, उसके बाद CAPD का स्टोर कीपर आएगा, वहाँ पे बांटेगा, वहाँ वो छोटी गाड़ी में लोड करके ये होम डिलीवरी करेगा लोगों के घरों तक, तब ही ये राशन पहुंचेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि पुलिस सही काम कर रहा है, लेकिन सही काम करने के साथ साथ अगर वो हमारे ट्रक जो FSI CAPD के साथ चल रही है, अगर वो उन ट्रक को रोकेंगे, अगर वो CAPD मुलाजिम को रोकेंगे, तो फिर जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि जो ये राशन हमें होम डिलीवरी करके घर घर तक पहुंचाना है, तो ये कैसे पहुंचेगा, ये मुमकिन नहीं है। फिर तो इसी सिलसिले में कल बहुत सारी जगहों पे फोन आए कि हमारे ट्रक को रोका है, यहाँ गूस से आया है, उधर करालपोरा से आया है, इधर कोपारा सुलकूट में एक नाका है वहाँ पे आया है, वहाँ ने पुलिस ने हमारे ट्रकों को रुका है। तो इसके साथ साथ आज सवेरे एक दो जगह पे फोन आ रही है कि CAPD के मुलाजमन को की गाड़ियों को सीज किया है और उनको पीटा है। तो उस सिलसिले में जो CAPD का ये मुलाजिम प्रेसिडेंट साहब है, तो उसने आज सवेरे कॉल दिया है कि हम कल से काम नहीं करेंगे, कल से हम बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे। तो उसके साथ साथ मैंने भी कहा कि ठीक है, अगर हमारे ड्राइवर को भी पीटा जा रहा है तो हम भी कल से काम नहीं करेंगे, कम से कम आप अपने घरों में बैठेंगे, अपने अयाल को बचा लेंगे। तो इस सिलसिले में हमारी जो DSP हेडक्वार्टर साहब पुलिस का है कुपवाड़ा में, उसके साथ हमारी मीटिंग हुई है, और AD साहब जो हमारा अपना अफसर है AD फूड साहब, उससे भी हमारी मीटिंग हुई है। तो उन्होंने DC साहब से भी बात की, उन्होंने बिल्कुल यकीन दिलाई हमें दी है कि कल से कहीं पे किसी भी FSI ट्रक या किसी भी CAPD मुलाजिम को नहीं रोका जाएगा, कल से इनके लिए चलने में छूट होगी, क्योंकि इनको जाना है रेड जोन इलाके में भी जाना है, रास्ते पे भी चलना है, और जो CAPD का मुलाजिम, इनकी कोई टाइम नहीं है ड्यूटी का। तो इसलिए AD साहब ने, ये DSP हेडक्वार्टर साहब ने, DC साहब ने बिल्कुल यकीन दिलाई दी है कि कल से ये बिल्कुल ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। तो AD साहब ने और DSP हेडक्वार्टर साहब ने ये भी बोला कि अगर कहीं पे कुछ हुआ तो पर्सनली हमें फोन करना, तो हम खुद ये मामला हल करेंगे, बाकी कल से किसी के साथ कोई। आपके जो एम्प्लॉय हैं बाहर, उन्होंने बयान दे दिया कि हम कल से राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो COVID-19 की बीमारी चल रही है सर, इसमें खास तौर पर जो है CAPD का योगदान रहना चाहिए, ताकि जो लोग हैं घर के अंदर ही अपनी राशन जो ले सकेंगे सर। तो क्या किस हवाले से देख रहे हैं सर आप उसे? देखिए, बिल्कुल हमारे जो मुलाजमीन हैं, खासकर जो फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के, ये पहले दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर आज तक जो है, ये एक किस्म से टोज पे ही हैं, दिन और रात काम कर रहे हैं, चाहे वो रेड जोन में होम डिलीवरीज हों, तो आउट ऑफ दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हम ग्रोसरीज भी होम डिलीवरी करा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हैं,
आपकी बात सही है, किसी किसी जगह पे जो है अभी हमें शिकायत मिली है, हमारे मुलाजमीन को थोड़ा बहुत तंग किया जा रहा है, नाके पे कहीं पुलिस पार्टी ने जो है उनको रोका, ज़्यादा टाइम के लिए रोका, कहीं पे एक दो गाड़ियां सीज भी हुई हैं। हम वो मैटर जो है अपने डीसी साहब से ऑलरेडी हमने टेकअप किया है, और इनफैक्ट आज ही हमारी उसमें एक मीटिंग हुई है जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने की। तो हमें पुलिस ऑफिसर्स ने एश्योर किया कि आज के बाद जो है ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सीएपीडी के जो मुलाजमीन हैं खासकर उनको रोका नहीं जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। जी देखें, मैसेज यही है कि हमने ऑलरेडी जो है बहुत सारे इकदाम उठाए हुए हैं, जैसे हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि राशन हर जगह अवेलेबल है, हर राशन स्टोर पे हमने एडिशनल जो है अप्रैल मई इनफैक्ट जो है अब जून का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है, फ्री राशन जो है सरकार ने जो दिया है वो भी डंप है। सिर्फ लोगों को एक कोऑपरेट करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, जितनी वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे वो अपने आप को भी सेफ रखेंगे और खासकर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी सेफ रहेंगे। अदरवाइज हमें मजबूरन जो है स्टोर्स बंद करने पड़ेंगे, और खासकर जहाँ जो फार फ्लंग एरियाज है जहाँ हम होम डिलीवरी नहीं कर सकते, ये इंस्ट्रक्शंस उनके लिए हैं कि वो डिपार्टमेंट की जितनी भी एडवाइजरीज हैं, सरकार की एडवाइजरीज हैं, उनको फॉलो करें। देखें, क्योंकि मीटिंग जो है अभी हुई है, मेरे जो मुलाजमीन हैं उनको इसकी जो है नॉलेज नहीं है, मैं अभी उनसे बात करूँगा। हमने क्योंकि मसला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है, मेरे मुलाजमीन जो है वो बाशोर हैं, मैच्योर हैं, उनको पता है कि इस सिचुएशन में उनको काम करना है, और वो पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। इस उम्मीद के साथ मैं उनसे फिर बात करूँगा, और मैं जो है कॉन्फिडेंट हूँ कि वो मेरी बात डालेंगे।